शनिवार को किसानों के नारों की आवाज पश्चिम बंगाल की सियासी नारों के बीच सुनाई दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में महापंचायत की। राकेश टिकैत ने महापंचायत में शामिल होते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगला टारगेट संसद पर फसल बेचना है। कश्मीर के शोपिया में शनिवार रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी के पास से 36 कारतूस, 9,600 रुपए भी बरामद हुए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, अभी मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। पंजाब के पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। डिंडा पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन गतिविधि की गई है। अधिकारियों ने जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन को देखा वैसे ही उस पर फायरिंग की है। हालांकि फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गया। बीएसएफ पूरे इलाके में सर्च अभियान कर रही है। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में लगी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित हमले में घायल होने के बाद आज पहली बार व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो करेंगी। इसके बाद कोलकाता में एक सभा भी वे संबोधित करेंगी। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी असम में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार देर रात 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस और डीएमके गठबंधन में कांग्रेस को 25 सीटें भी मिली हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक आवासीय इमारत में आग लगने की खबर सामने आई है। आग शनिवार रात 11:15 बजे लगी थी। निकाय अधिकारी ने ये जानकारी दी कि इसमें किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार को एक बार उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और बहुत जल्द वह राम महल हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को वाराणसी में सपरिवार गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी राष्ट्रपति को बताया। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूती देने आज असम पहुंचे हैं। असम में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वे चुनाव असम के भविष्य के निर्माण करने का चुनाव है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिस बैठक के दौरान हंगामे की खबर सामने आई है। दरअसल पार्टी के एक नेता ने बैठक में डीएमके का झंडा लहराया। बैठक में पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण सामी भी मौजूद थे और उन्हीं के सामने नेताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी कार मिली थी। साथ ही कार के मालिक बंसुख हिरेन की मौत का मामला भी सामने आया था। अब इसमें पुराने जांच अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने इससे पहले सचिन वाजे से कई घंटों तक पूछताछ भी की थी। एनआईए का कहना है कि वाजे को 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरा वाहन खड़ा करने में भूमिका निभाने को लेकर गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने पिछले साल नवंबर में कफाला सिस्टम में बदलाव कर नए कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को लागू करने का वादा किया था। उसे आज आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसके तहत मालिक के दुर्व्यवहार की स्थिति में कम वेतन पाने वाले प्रवासी मजदूरों पर अपने उसी मालिक के साथ बंधे रहने की कोई पाबंदी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमला हुआ था, जिसे लेकर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने आज बैठक की है, जिसमें चुनाव आयोग ने ममता पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं है, ये एक हादसा था। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की जनता दल यूनाइटेड में विलय प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में वापसी भी हो गई है।
इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इससे पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शुक्रवार को ही फूट की जानकारी सामने आ गई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद प्रयागराज पहुंचे टिकैत ने झलवा में संवाददाताओं से कहा कि वे नवंबर और दिसंबर तक आंदोलन को चलाएंगे। इसी के साथ बताया कि अब आंदोलन को देशव्यापी बनाया जाएगा। टिकैत प्रयागराज के बाद कर्नाटक और ओडिशा का दौरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। भाजपा ने बाबुल सुप्रियो समेत कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन और अभिनेत्री खुशबू को भी चुनावी खेल में शामिल किया है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में व्हीलचेयर पर रोड शो कर रही हैं। मंच से संबोधन में ममता ने कहा कि लोकतंत्र पर हमले से बड़ा कोई दर्द नहीं है। साथ ही ये दावा भी किया कि चोट लगने के बावजूद वे पूरे राज्य का दौरा करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आज फिर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों को फायदा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले लोग वास्तव में स्वयं संचिकेट से संचालित होते हैं। साथ ही सरकारी एजेंसियों की छापेमारी के पीछे भाजपा की हिंसक राजनीतिक सोच को वजह बताया है।